कहते हैं एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि कार्तिक का जो महीना है विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो जाहिर सी बात है इस महीने विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में क्या करें क्या ना करें जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो, अखंड संपत्ति के आप मालिक बन जाएं, अखंड प्रभु भक्ति के आप मालिक बन जाएं और प्रभु कृपा आप पर बरसती रहे, इसलिए कार्तिक का महीना बहुत श्रेष्ठ महीना कहा गया है। इस महीने स्नान तो किया ही जाता है लेकिन दान का भी बहुत महत्व है। दान करना इस महीने श्रेष्ठ होता है और कौन सा दान श्रेष्ठ होता है इसकी जानकारी भी इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको देने का प्रयास करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और 3000 रुपये में डिस्काउंटेड प्राइस ये दी गई है, क्या जहाँ 3100 रुपये जन्मपत्री परामर्श के लिए जाते हैं सब्सक्राइबर के लिए ऑफर है, 300 रुपये में आपको परामर्श दिया जाएगा जन्मपत्री से संबंधित और 2 सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो हमें सब्सक्राइब करिए, किस डेट को आपने सब्सक्राइब किया है इसका हमें जानकारी अवश्य भेजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन आप ऑल पर क्लिक करके बेल बटन को अवश्य दबाएँ, तभी आप सब्सक्राइबर बन पाएंगे और तभी आपको लाभ मिल पाएगा। आइए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है और पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान का प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी कार्तिक महीना लगने से पूर्व की जो पूर्णिमा है उससे ही स्नान प्रारंभ कर देना चाहिए, तब आपको लाभ मिलता है। मित्रों, कार्तिक का जो महीना है 18 अक्टूबर 2024 को इस साल प्रारंभ हो जाएगा, यानी आपके पास 2 दिन है तो 2 दिन में तैयारी कर लीजिए। आपको गंगा नदी में ना नहा पाएँ, कार्तिक में गंगा स्नान का बहुत महत्व है लेकिन गंगा नदी में नहीं नहा पाएँ तो गंगा जल डालकर प्रातःकाल स्नान करें, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। इस महीने के अंतर्गत ध्यान के अलावा स्नान का विशेष महत्व है और प्रातःकाल आपको स्नान करना चाहिए। इस दिन भूमि पर शयन करने से भी बहुत अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है आपको। भोजन का दान, वस्त्र का दान इस महीने करना चाहिए, आपको अत्यंत लाभ मिलता है। जो मनुष्य स्नान दान भोजन विधिवत करता है, भोजन का और वस्त्र का दान देता है, उसको देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि का नाम जप जो करता है, रात्रि कीर्तन जो करता है, उसको अत्यंत लाभ मिलता है। मात्र कार्तिक महीने की कथा भी आप पढ़ लेते हैं तो अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और तमाम पाप कर्म आपके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रताप है कार्तिक महीने का। जो मनुष्य कार्तिक मास में भूमि पर शयन करता है उसके तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्योदय काल में जग कर जो मनुष्य गंगा का नाम लेकर स्नान करता है तो उसको भी उतना ही फल मिलता है, शुभ फल, जितना गंगा स्नान का फल मिलता है। संपूर्ण कार्तिक महीने में भगवान का भजन कीर्तन जो मनुष्य करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कार्तिक में वैसे तो सभी दान श्रेष्ठ कहे गए हैं लेकिन अन्न का दान इस महीने सर्वोत्तम कहा गया है, तो अन्न का दान किसी न किसी रूप में करते रहें। किसी भी जलाशय में कार्तिक मास में जो स्नान करता है और गंगा माता का ध्यान करके स्नान करता है वो करोड़ों गुना पुण्य का भागीदार होता है, उसके तमाम पाप कर्म मिट जाते हैं। समस्त मास में मार्गशीर्ष का महीना सर्वोत्तम कहा गया है लेकिन उससे भी ज़्यादा अधिक वैशाख मास पुण्य वाला माना गया है। माघ मास को भी अधिक पुण्य वाला माना गया है लेकिन सर्वोत्तम उपाधि दी गई है कार्तिक मास को। कार्तिक मास में जो स्नान करता है उसको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। आश्विन मास की पूर्णिमा से स्नान प्रारंभ करें और कार्तिक मास की पूर्णिमा को उसका समापन करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये आवश्यक है। लेकिन आप गंगा नदी में स्नान ना कर सकें, आपके नज़दीक व्यवस्था नहीं है, तो गंगा जल बाल्टी में डालकर अपने बाथरूम में ही स्नान कर लें, गुसल खाने में स्नान कर लें, तब भी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। गंगा माता का नाम जप करने से आपको फ़ायदा मिलता है। स्नान करने से पूर्व आपको संकल्प लेना पड़ता है कि कार्तिक मास में आप स्नान करेंगे, उसके लिए आपको जनार्दन शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हे जनार्दन, मैं संपूर्ण कार्तिक मास स्नान करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, ऐसा आपको बोलना चाहिए, तब कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तुलसी की मिट्टी होती है ना, उसका लेप करके स्नान करें तो देखिए चमत्कार, आपको करोड़ों गुना अनंत फल की प्राप्ति तो होती ही है, करोड़ों गुना पैसा और संपत्ति भी आपको मिलती है। कार्तिक मास में कुछ चीज़ों का पालन अनिवार्य होता है, जैसे
दूसरों का दिया हुआ अन्न आपको नहीं खाना चाहिए इस महीने। जिस सब्जी में ज़्यादा बीज हो उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। जिस फल में भी ज़्यादा बीज हो उनका भी सेवन इस महीने नहीं करना चाहिए। चावल और दाल भी कार्तिक महीने में त्याज्य होती है। इसके अतिरिक्त गाजर का सेवन भी नहीं करना चाहिए, बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में जितना केले का आप दान करेंगे, जितना आंवले का आप दान करेंगे, सर्वोत्तम दान की श्रेणी में आता है। अन्न का दान तो होता ही है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन अगर आप इस महीने केले का दान करते हैं या आंवले का दान भी करते हैं, दोनों ही इस मौसम में आपको मिल जाएंगे। केले तो 12 महीने मिलते हैं, लेकिन आंवला सर्दियों में ही आता है, तो लेकिन अभी आना प्रारंभ हो चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आंवले का दान भी करें किसी न किसी रूप में, तो आपको सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको मिलती है। इस महीने जो मनुष्य तुलसी दल पूरे महीने भर भगवान को अर्पित करता है, उसको कभी कोई कष्ट जीवन में नहीं आता है, वो सुखी हो जाता है। जो मनुष्य राह में थके मांदे व्यक्ति को अन्न देता है, भोजन कराता है, उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसको उस पुण्य से बहुत सारी संपत्ति मिलती है। तो आप ये काम करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।